अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को हंगेरियन एक रेसिपी बनाना सिखाएंगे, बीफ़ गुलाश। ठीक है, बीफ की बोटियां हैं बोनलेस, उससे हम बनाएंगे, सब्जियां डालेंगे, बहुत मज़े का ये सॉस इसका बनेगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो पैप्रिका है, और पैप्रिका बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करिएगा। स्ट्रोगनॉफ बनाएं कि गुलाश बनाएं आप, उसमें अगर अच्छा पैप्रिका डालेंगे तो फिर बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और स्टॉक मैंने लिखा है बीफ का स्टॉक, तो जब बीफ मैंने उबाला था, हड्डियाँ वगैरह जो थी उससे मैंने स्टॉक बना के छान के यहाँ रख दिया है। ज़रूर आप भी इसी तरह रेसिपी ट्राई करिएगा। पहले हम बना रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज, चॉकलेट सॉस के साथ। तो हम ये स्पंज बनाएंगे, हो सकेगा टाइम होगा और हम काट सकेंगे छोटे स्क्वेयर्स में, तो वो काट के फिर हम इसके ऊपर वो सॉस डाल के खाएँगे। ठीक है, सो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। समथिंग वेरी अनयूजल किस तरह हम बनाएंगे, हम बनाएंगे आज 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मक्खन, जो पीला वाला मक्खन है, नॉट द फीका अनसॉल्टेड मक्खन, वो चॉकलेट है मेरे पास 200 ग्राम, 125 ग्राम सफ़ेद चीनी और ब्राउन चीनी है, और 250 ग्राम यानी एक 250 मिलीलीटर यानी एक कप पानी। ये सब कुछ हम डालेंगे और इसको हम पिघलने के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको अंडों के साथ मिक्स करेंगे, मैदा, कोको पाउडर वगैरह। सो आप सोचें कितना मज़े का ये बनेगा, ट्राई आपने ज़रूर करना है। ठीक है, काफ़ी सारा मक्खन है, एक बड़ा टिन लीजिएगा या बंट टिन लीजिएगा या बड़ा केक का एक वो लीजिएगा जिसमें आप बनाएंगे इसको, चॉकलेट मक्खन, चीनी सफ़ेद वाली और ब्राउन शुगर। ठीक है, और ये एक कप पानी है। यहाँ मेरे पास 3 अदद अंडे हैं, उसको मीनवाइल हम यहाँ बीटर में डाल के अच्छे से बीट कर देंगे। अब है यहाँ बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर, वो हम बाद में डालेंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास है डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से, और इसके अलावा वाउच 365 की कूपन बुक्स, जिसमें है कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर एंड एबटाबाद के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स। जितना अगर चाहते हैं तो केक्स के नाम बताइए, बहुत सारे मैंने हर किस्म के केक्स बनाना आपको सिखाए हैं इतने सारे सालों में, फूड डायरीज में, दूसरे शोज़ में। कोई से भी 2-3 केक्स के नाम जो आपने मुझसे सीखे हों, आपने बनाए हों, लिख के 888-1 पे SMS कर लीजिएगा अपने फ़ोन से। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और आप जीत सकते हैं या वाउच 365 की कूपन बुक या NX की तरफ से ये गिफ्ट। सब्जियां जो हम इस्तेमाल करेंगे आज, उसमें गाजर है और आलू है। ठीक है, छोटे बेबी पोटैटोज़ भी आप डाल सकते हैं, कोई सी भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं, वो हम बाद में बनाएंगे, वैसे भी वो झटपट बन जाएगा बिकॉज बीफ मैंने बॉईल किया हुआ है। ये केक अभी पहले फिनिश करते हैं। जब भी अंडों में इस तरह कुछ भी मेल्ट करके डालना हो, पिघला के मक्खन वगैरह, चॉकलेट वगैरह, तो प्लीज़ मेक श्योर के अंडे अंडों में आप गरम गरम नहीं डालें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कूल करेंगे, इसलिए मैंने ब्रेक से पहले ये कर लिया है। जैसे ब्रेक पे जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे और हम एग्स को भी बीट करेंगे। जब केक बेक हो रहा होगा तब इसकी सॉस हम बना लेंगे एक पैन में। बहुत सारे लोगों ने मेरी टर्किश रेसिपी टेप्सी कबाब जो मैंने बनाया था परसों, वो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, आप लोग चीज़ें ट्राई करते हैं, अनयूजुअल सी चीज़ें अगर होती हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप सोचते हैं चलें ये क्या है हम बनाते हैं। और मुझे फिर तस्वीर लोगों ने भेजी हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने नाम नहीं लिए इतने अरसे से, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बना के भेजते हैं, रेसिपीज़ की तस्वीरें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के पास टाइम होता है मुझसे भी ज़्यादा, अच्छी तरह आप लोग डेकोरेट करते हैं। देखिए मक्खन पूरा पिघल चुका है, चॉकलेट पानी, सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, बस अब इसका हम
चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तब अब हम अंडे अच्छी तरह बीट करेंगे, बहुत अच्छी तरह, और फिर हम जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें हम फोल्ड इन कर देंगे, और मैदा है, कोको पाउडर है और बेकिंग पाउडर है। सो ये बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल दूँ। जी जी मैं ब्रेक ले रही हूँ। कोको पाउडर इसमें है 6 चमचे, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ कम इसमें, बिकॉज मेरा कोको पाउडर बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसमें 6 चमचे डाल के रेडी हो करके रखती हूँ। आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो अंडे भी हम फेंटेंगे, इसको भी टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये केटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे केक्स के नाम, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, 8881 इस नंबर पर SMS करिएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ये दिखाइएगा, ये अच्छी तरह मैंने 3 अदद अंडों को फेंट लिया था, ठीक है, अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। और फिर इसमें हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और क्या था, कोको पाउडर, ये हमने डालना है। लेकिन पहले हम डालेंगे इसमें ये सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, चॉकलेट, मक्खन, जो पिघल के बिल्कुल ठंडा करना है पहले आपने। बहुत भारी है, भारी है, भारी है। इट्स अ बिग केक मिक्सचर बैटर, ठीक है, ज़्यादा है ये। अच्छी तरह अब इसको आप मिक्स करिए इस तरह, और ये कोको पाउडर वगैरह, बेकिंग पाउडर हाथ से कर लीजिएगा जितना हो सके प्लीज़। अंडे बहुत अच्छी तरह आपने बीट करने हैं, ये याद रखिएगा, स्पंज जब भी बनाते हैं अंडे बहुत अच्छी तरह बीट करो, अंडे से ही लाइटनेस आएगी इस केक में। जी फरमाइए, हेलो, नंबर्स चलाइए ताकि हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर सकें, कोई क्वेश्चंस हो रेसिपी के हवाले से तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि लोग सवाल करें, काम की बात पूछें, कुछ सीखें मुझसे। मैं अभी इसमें बीटर नहीं चलाना चाह रही, हाथ से ही मैं फोल्ड करना चाह रही हूँ। कट फोल्ड करिए ताकि अंडे इतनी अच्छी तरह हमने बीट किए हैं वो बैठ ना जाएँ। टिन रेडी कर दीजिएगा, पेपर लगा दीजिएगा और वो रखिएगा, ग्रीस कर दीजिएगा उसको। मैंने ग्रीस नहीं किया, अभी करती हूँ, ठीक है। ये बैटर इज रेडी, आई थिंक एक में ही आ जाएगा। एक कॉलर है जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम डिजर्ट क्वीन। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने देखो अभी मेरी जल्दी लाइन ड्रॉप नहीं करना करना जल्दी लाइन ड्रॉप नहीं करना इन लोगों से कहना, क्योंकि मुझे एक चीज की ना बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो थी, गिल्टी फील कर रही थी। अभी मंडे को मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की थी ना बेटा? जी मुझे याद है। मैंने आपसे कहा था कि आप कहाँ चली गई थी, तो आपने कहा आपके बच्चे को कोविड हुआ है। तो मैंने उससे कहा था कि वो रिजवान ने प्रोग्राम किया था मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बात को यकीन करो, मेरे दिल में मैं 3-4 दिन इतनी गिल्टी महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए ना बुरी बात नहीं सोचती हूँ ना करती हूँ। तो मैं ऑन ईयर उससे मैं सॉरी करना चाह रही हूँ कि इंसान, क्योंकि जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। वो अपनी जॉब जैसा कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था वो बच्चा, वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है बस। मगर मैं ये ऑन ईयर कह रही हूँ सबके सामने कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी रिजवान, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ उम्र में, तो मेरे बच्चों के बराबर हो, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी बेटा। अच्छा अब मेरी बात सुन लें, आप सांस ले लें, एक मिनट मेरी बात सुन लें। पहले तो उसका नाम फैजान है, दूसरी बात आई डोंट थिंक उसने भी माइंड किया होगा। सब लोगों की अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। चले आपने अपनी आपने अपनी गलती मान ली, दैट इज़ वेरी गुड, और आपने कॉल की और दोबारा आपने ये कहा, मैंने भी आपको कहा था कैसे नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, सो दैट्स गुड ऑफ यू टू कॉल एंड क्लैरिफाई दिस, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे सारे शोज, और बस रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा मैंने ये 2 टिन्स में इसलिए इस तरह किया है बिकॉज आई डोंट वांट कि एक टिन में मैं भर दूं
तो फिर वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आउट निकल आएगा बाहर मेरा पूरा बैटर। 3/4 ही भरते हैं हमेशा। ओके, ये हो गया। अब दोनों को हम टिन्स को बेक करने रख देते हैं और फिर हम सॉस बनाने की तरफ आ जाते हैं। एक दफ़ा ही अवन खोलेंगे। इट्स गुड टू रियलाइज वंस ओन मिस्टेक्स और इस तरह अपोलोजाइज कर देना, लेकिन कोई बात नहीं, हमने माइंड नहीं किया। आई एम श्योर फैज़ान इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस चैप, उसने भी माइंड नहीं किया होगा, लेकिन सबकी अपनी स्टाइल होती है तो किसी को इस तरह नहीं कहते। डन। ओके जी, चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कॉलर हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। जी जरूर दीजिए। चॉकलेट केक, क्रीम केक, चीज केक और स्ट्रॉबेरी केक और पिस्टेशियो केक। वेरी गुड, ठीक है। आपका क्या फेवरेट है? चॉकलेट केक। मेरी तरह जी बोलें, और कुछ? बस आपका शो बहुत हम मिस कर रहे थे जब आप छुट्टियों पर थी। चले वापस आ गई जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर मिसिंग मी, थैंक यू सो मच। तो 200 ग्राम डार्क चॉकलेट थी, 250 ग्राम मक्खन था, पीला वाला, फीका नहीं, ठीक है। 125 ग्राम ब्राउन शुगर, 125 ग्राम सफ़ेद पिसी हुई चीनी, उसको हमने एक पैन में डाल के पिघला दिया, ठंडा करिएगा। 3 अदद अंडे बहुत अच्छी तरह बीट करिएगा, उसमें फिर हमने वो चॉकलेट वाला मिक्सचर ठंडा हो गया तो वो डाल दिया। 250 ग्राम मैदा छान के डालिएगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 6 चम्मच कोको पाउडर छान के, सब कुछ डाल के बेक करने रख दीजिएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हाँ, इसमें मैंने पानी भी डाला था, 250 मिलीलीटर यानी 1 कप, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चॉकलेट डाली आपने 100 ग्राम जितनी एक पैन में, उसमें आप डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मचे भर के, वेनिला कस्टर्ड पाउडर है ये। शहद डालेंगे हम 75 ग्राम जितना, 75 ग्राम जितना, ठीक है, 2 चम्मचे से थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम 300 मिलीलीटर, एक जो पैक यहाँ मिलता है 200 का मिलता है, तो हमने 1.5 पैक समझ लीजिए कि डाल दिया, ठीक है जी। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा सॉस को, थोड़ा सा हम थिक करेंगे, वैसे आप गोल्डन सिरप भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। और ये कोको पाउडर है 3 चम्मचे भर के। फिर इसमें हम डालेंगे पानी और इसको हम पका लेंगे। That's it. कितना आसान है, मज़े का सॉस रेडी, ठीक है। फिर कोई स्प्रिंकल्स हों, कुछ भी चॉकलेट शेविंग्स हों, किसी चीज़ के साथ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, किस किस को जीतना है एनिक्स की तरफ से ये केटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी जल्दी 888-1 पे मुझे बताइए। केक्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हल्की आँच पे करिएगा, नीचे कुछ लग ना जाए, स्पेशली चॉकलेट या शहद और क्रीम में उबाल ना आए, बस हल्की आंच पे पका लीजिएगा, सॉस बन जाएगा। गुलाश के लिए मैं एक चीज़ करना शुरू कर देती हूँ, जो कि है हमारा प्याज। मक्खन लीजिएगा, उसमें हम 2 प्याज चॉप की हुई है, उसको हम करेंगे सॉटे। मक्खन पिघल जाएगा थोड़ा सा, मक्खन के साथ हमेशा तेल डाल देते हैं वरना मक्खन जल जाता है। इसको भी चलाते हैं। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी ताकि ये हो जाए। बर्तन साथ साथ धोते रहिए, उठाते रहिए, रखते रहिए, वरना फिर ढेरों अंबार हो जाते हैं बर्तनों के जी। ब्रेक है, ओके। सो यहाँ हमारी सॉस पक रही है, चॉकलेट सॉस फॉर आ केक। यहाँ हम प्याज को ब्राउन करके रख देंगे, हल्का ब्राउन, ठीक है। आप लोग लीजिए ब्रेक, अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 888-1 पे केक्स के नाम मुझे बताइए, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक ब्रेक
वेलकम बैक. लुक एट दिस लवली थिक चॉकलेट कस्टर्ड सॉस. ठीक है, ये देखा आपने. विस्क चलाते रहिएगा कि कस्टर्ड पाउडर की वजह से वो ज़रा भी उसमें वो ना बन जाए, लम्स ना बन जाए. ठीक है, ये रेडी है. यमी. अच्छा, यहाँ प्याज हमने थोड़े से ऑलिव ऑयल और मक्खन में सॉटे करके रख दी थी. हल्की गोल्डन कर दिएगा, ब्राउन नहीं करिएगा. अब आपने क्या करना है, मैदा लेना है. ये बीफ की बोटियाँ हैं, आप समझिएगा कि कच्ची हैं, बिकॉज आपको कच्ची से शुरू करना है. राइट, मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के मैदा डालूंगी, ड्रेज इट विथ फ्लावर, और फिर आप इसको भून लीजिएगा इसमें डाल के, मैदा भी अंदर जाए. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी. आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र. इतने दिन आप गायब रहीं. क्या जी? मैं कह, इतने दिन आप गायब रहीं शो से. क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा आप इतने दिन तक शो से भी गायब थी, आज आपको देखा अच्छा लगा काफी दिन बाद. मैं पी से आ रही हूँ, मैं गायब नहीं थी, मेरे बच्चे बीमार थे इसलिए मैं घर पे थी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, मुझे आवाज़ इनकी क्लियर नहीं आ रही. अच्छा, इसमें आपने नमक शामिल करना है. ठीक है, ये शाही ज़ीरा है, कैरवे सीड्स, ये जाएगा इसमें. फिर कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी और 2 चमचे भर के पैप्रिका. सो ये पैप्रिका इज़ द मेन थिंग जो आप डालेंगे अपने गुलाश में, और आप गोश्त को पकाइएगा. ठीक है, अच्छी तरह इसमें. अब ये तो ऑब्वियसली मैं पका के लेके आई हूँ. सो टमाटर अब जाएंगे इसमें, टमाटर पकेंगे थोड़े से, इसका सॉस बने, और फिर हम इसमें डालते हैं ये आलू. छोटे बेबी पोटैटोज हैं, हाफ मैंने कर दिए थे कि जल्दी पक जाएं, और इसका छिलका भी मैंने रखा था, बेबी पोटैटोज का, तो आप रख सकते हैं. अब और क्या हमें पकाना है, इसमें पानी डालना है, तो पानी तो हम नहीं डालेंगे, यही इसका सूप डालेंगे, बीफ का जो सूप था. और अब इसको मैं ढाँक के पकने के लिए छोड़ दूंगी. आलू जब हो जाएंगे, टमाटर भी बिल्कुल मशी से हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें गाजर एंड में डालेंगे, और कुछ नहीं डालना है हमने, एवरीथिंग इज़ डन. सो इसमें हमने मक्खन और तेल गरम किया, प्याज हल्की सुनहरी की, शाही ज़ीरा हमने इसमें डाला, पैप्रिका, मैदा, बोनलेस बीफ इस्तेमाल करिएगा, क्यूब्स में कटा हुआ हो, बीफ का स्टॉक लीजिएगा जिसमें आपने बीफ को बॉईल किया हो, या अलग से बीफ स्टॉक डालिएगा. टमाटर हैं 2 चॉप किए हुए. ठीक है, नमक, काली मिर्चें, गाजर और आलू, बस. इस पे मैं ढक्कन ढाँक देती हूँ, और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं. जी हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं. हम भी ठीक जी. मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी. जी, वनीला मोइस्ट केक, इजी बनाना केक, स्पंज केक, टूटी फ्रूटी केक और चॉकलेट केक. ओके, एक्सेलेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और कुछ? ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अच्छा, यहाँ मेरा छोटा वाला केक तो ऑलरेडी काफ़ी राइज हो चुका है, बड़े वाले को टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बिगर, मोर बेटर. ठीक है, सो बस जैसे ही यहाँ हमारे आलू गल जाएंगे, तो फिर हम इसमें गाजर एंड में डाल देंगे, एंड दैट्स इट. और कुछ भी हमें नहीं इसमें शामिल करना, ये सब कुछ हो गया है. गाजर और आलू, नमक, काली मिर्चें, टमाटर, बीफ का क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस, बीफ का स्टॉक, मैदा, पैप्रिका, मेन अज्जा गुलाश की पैप्रिका है, मक्खन, तेल, प्याज और शाही ज़ीरा. ठीक है, गाजर तो वैसे भी आप एक डालेंगे और भाप में ही हो जाएंगे. जब वो केक हो जाएगा, उसके क्यूब्स काटिएगा, उसके ऊपर ये सॉस डालिएगा और सर्व कर दीजिएगा. सॉस में मैंने क्रीम, कोको पाउडर, पानी, कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर, चॉकलेट और शहद डाला था. ये देखें, लम्स नहीं आएंगे अगर आप विस्क का इस्तेमाल करेंगे तो. ठीक है, इस तरह पकाना है जब तक ये कस्टर्डी नहीं हो जाए, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं. अगर लम्स आ भी जाएं, आप नहीं उसको संभाल सकें, तो आप उसको छान लीजिएगा, लम्स अलग हो जाएंगे. फिर मैं इस तरह के स्प्रिंकल्स लेके आई हूँ, आप इसके ऊपर डाल सकते हैं कुछ भी, टेंस एंड थाउजेंड्स डालें, स्प्रिंकल्स डालें, चॉकलेट की कोई चीज़ डालें, चॉकलेट की शेविंग्स डाल दीजिए, एनीथिंग, यू कैन ऐड एनीथिंग इन इट. ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं लाई हूँ वही होने चाहिए. बस अब आलू गल जाएं हमारे, छोटे से बेबी पोटैटोज़ मैंने डाले थे, और टमाटर,
इसका शोरबा ज़्यादा होता है, सूपी सा होता है। कड़क डबल रोटी के साथ या टोस्ट के साथ आप इसको सर्व करिएगा, डिनर रोल्स के साथ, व्हाटएवर। बस टमाटर हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि टमाटरों में मतलब टमेटो ज़रा ज़्यादा वो हो, तो आप ब्लेंड करके टमाटर डाल दीजिएगा, टमेटो पेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप रंग के लिए टमेटो प्यूरे डाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है जी, इनेक्स की तरफ से गिफ्ट है केटल आज, और वाउच 365 की ये कूपन बुक्स हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो केक्स के नाम बताइए मुझे 8881 पे SMS करिएगा। ये मसाला टीवी फूड मैगजीन 180 रुपए का हमारा जून का शुमारा आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है, इट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स। ठीक है, और मेरी रेसिपीज इसमें क्या हैं, कुल्फी है, पिस्ताचियो आइस बॉक्स केक है, मतलब समर के हवाले से सारी मीठी मीठी आइसक्रीम वाली रेसिपीज़ हैं। ज़ाफ़रानी पिस्ता कुल्फ़ी है रबड़ी के साथ, मिंट चॉकलेट आइसक्रीम है, कैपुचिनो पॉप्सिकल्स हैं, पीनट बटर कैरमल पाफे है, और उसके अलावा बिस्किट वाला आइसक्रीम है। ठीक है, ये कैरमल वाली बिस्किट वाला आइसक्रीम है। सो आई होप आप लेंगे, और सारे हमारे शेफ़्स की तस्वीर हैं, रेसिपीज़ हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, ज़रूर खरीदिएगा। एक ब्रेक की तरफ चलें हम, ठीक है, विल टेक अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर शो ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, आई एम जस्ट वेटिंग कि आप लोग आए, आप लोगों को मैं दिखाऊं कि कितना मजे का हंगेरियन बीफ गुलाश हमारा बन रहा है। आलू हमारे हो गए हैं, ये जो आलू हैं बेबी पोटैटोज वो हो गए हैं। आजकल आलू ख़राब आ रहे हैं, तो आप देखिएगा आलू को अच्छी तरह पकाइएगा। ठीक है, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, इस तरह स्लाइस कर दिए थे, कुछ चॉप कर दिए थे, और गाजरों को भी हम अंदर पकने के लिए रख देंगे। 40 से 50 मिनट आपको उस केक को बेक करना है। अब 40-50 मिनट तो नहीं होंगे, शो ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो फिर इधर ही छोड़ के जाऊंगी और कल दिखाऊंगी आप लोगों को, बिकॉज़ आई वांट टू टेक द केक आउट ऑफ द टिन। टिन में से केक को हम निकालेंगे, उसके स्क्वायर्स काटेंगे, फिर ये जो कस्टर्ड है ऊपर डालेंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे ना, अभी देखें ना, अच्छा सा मज़ेदार सा गाढ़ा सा कस्टर्ड है ये, तो फिर उस पर तो वो बह जाएगा पूरा। सो एक घंटा बेक करिएगा, निकालिएगा, एक घंटा जाली पे रख के ठंडा करिएगा, नीचे से हवा लगनी चाहिए, फिर उसको उल्टा करिएगा, पेपर को पील ऑफ कर दीजिएगा, फिर उसके आप स्क्वायर्स काटिएगा, ये कस्टर्ड ऊपर लगाइएगा, स्प्रिंकल्स करिएगा, और फिर आप उसको सर्व करिएगा। तो नीचे केक, बीच में कस्टर्ड, ऊपर स्प्रिंकल्स या चॉकलेट शेविंग्स या व्हाटएवर। ठीक है जनाब, ऐसे करेंगे आज हम। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है, इनेक्स की तरफ से ये केटल है, डिलक्स केटल, और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जिसमें बहुत अच्छे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स है पूरा साल, ये किताब वैलिड है दिसंबर तक, और उसके अलावा इसका एक मोबाइल ऐप भी है जो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं खाने के अलावा। अगर साइड कैमरा कैच कर सके तो प्लीज़ शो द केक, छोटा वाला केक कितना अच्छा राइज हुआ है, लेकिन मैंने स्कूअर डाल के ब्रेक में चेक किया था तो अभी कच्चा था, अंदर से स्कूअर बिल्कुल गीला निकला था। सो डोंट बी इन अ रश, ठीक है, खराब नहीं करना है, हमने ऐसे निकाला और पूरा बह गया बीच में से तो फिर क्या करेंगे। तो इसको हम बेक होने देंगे, छोटा वाला भी अभी नहीं हुआ तो बड़ा वाला तो हुआ ही नहीं है, सो लेट इट बेक। एक कॉलर है, हेलो, हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। वो मैं ना आंसर दूं? जी जरूर, क्यों नहीं जी। वो ना टूटी फ्रूटी केक, ठीक है, चॉकलेट केक, ओके, और पिस्ता केक, ठीक है, और फज केक एक दफा आपने बनाया था, एक्सीलेंट, हमारे घर वालों ने ट्राई किया था। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी, ठीक है, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको आप हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, इसको होने दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आप हरा प्याज डाल के या हरा धनिया डाल के या पार्सली डाल के इसको सजा के पेश कर दीजिएगा। इसको आप फेटुचीनी नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप चावल के साथ कर सकते हैं, इसको आप क्रस्टी ब्रेड यानी कड़क डबल रोटी के साथ कर सकते हैं, किसी भी तरह आपको जिस तरह भी इसको सर्व करना है। आँच में इसकी अब कम कर देती हूँ, गाजर तो ऑब्वियसली हो जाएंगे, आलू हो गए हैं, बीफ मैंने पहले से बॉईल किया था इसलिए
टाइम नहीं लगा, और आपके पास टाइम नहीं हो आप भी प्रेशर कुक कर दीजिएगा बीफ के बोटियों को पानी के साथ, हड्डियों के साथ, उसी फिर हड्डियों वाला सूप इस्तेमाल करिएगा। लेकिन इसमें हड्डियों वाला गोश्त बीफ नहीं डालिएगा। या आप मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गुलाश तो बीफ के बोनलेस क्यूब से ही बनता है। तो जो बीफ लवर्स हैं, जो खाते हैं, जिनके घर में बहुत बीफ पकता है, उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। ट्राई करिएगा और बनाइएगा ज़रूर। जी एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं डॉक्टर रमीना बोल रही हूँ। एक घंटा पहले भी आपको कॉल की थी। जी बोले, फरमाइए। अच्छा, आपकी एक तो एब्सेंस को बड़ा फील किया हमने, और अल्लाह आपकी फैमिली को और आपको हैप्पीनेस और हेल्थ से नवाजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वी वर रियली वरीड अबाउट यू के किधर गायब हो गई आप। गायब नहीं हो गई थी। क्या करें जी, कभी कभार इमरजेंसी हो जाती है तो छुट्टी करनी पड़ती है, वरना तो मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती हूँ, आपको पता है ना। हाँ, लेकिन जाहिर है कि हर एक को नीड होती है, और व्हेन योर फैमिली नीड्स यू तो ऑफकोर्स वहाँ पे जरूरत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको जाना चाहिए, प्राइम इम्पोर्टेंस है आपकी। जी जी जी। अच्छा, कुकिंग तो हमेशा से आपकी अमेजिंग रही है, और डिजर्ट्स आपकी बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन आपका व्हाट्सएप नंबर प्लीज मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपकी जब कुछ ट्राई करती हूँ, बच्चे मुझे बड़ा कभी कभी तो फ्लैटर करते हैं कि ये जरनक से भी ज्यादा अच्छी है। कल मैंने आपकी ना ब्रेड एंड चॉकलेट, वो क्या है, चॉकलेट एंड बनाना ब्रेड बनाई। अच्छा, जो मैंने कल बनाई थी आपने बना ली? हाँ, कल बनाई थी। इंसिडेंटली सारे इंग्रेडिएंट्स वर एट होम, सो आई थॉट के आई शुड गिव इट अ ट्राई। मेरी ग्रैंड डॉटर वाज कमिंग। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेजे ना, इंस्टाग्राम पे भेजे। मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं पता। इंस्टाग्राम पे भेजे, इंस्टाग्राम जारनक सिद्वा ऑफिशियल। अच्छा, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं, व्हाट्सएप पे मैं हूँ, लेकिन फिर लोग तंग करते हैं जब नंबर देते हैं तो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तंग करूंगी आपको, कभी एक बार कोई पिक्चर भेज दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं खुद इतनी बिजी होती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने सोचा कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आपकी रेसिपीज कुछ हम जैसे जो बेचारे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो भी बड़े अच्छे बना लेते। इतना आसान है खाना पकाना, और बेकिंग भी आसान है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रेसिपी। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस के बंदा कर ना सके, और मैंने बहुत आसान बना दी है रेसिपीज, ताकि आप लोग बस आंख बंद करके फॉलो कर दें। फॉलो इट टू द टी एंड यू कैन मेक इट बेटर देन मी। सही है? अरे वाह, ये तो राइम हो गया, मैं तो शायर हो गई। तो जब आप और चीनी आप कहती हैं ना, ये इतना आसान है, तो मुझे लगता है कि ये आसान बिल्कुल नहीं, आसान ही है। मेरे जैसे कि ये आसान नहीं। मेरी बात सुने, यू मेक इट इजी फॉर अस। दुनिया में कोई मुश्किल काम नहीं है, पहली बात, इम्पॉसिबल कोई काम नहीं है। हमने भी जो शुरू किया था तो हमने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे ना, हम कोई एकदम परफेक्ट तो नहीं थे ना, है अभी भी। सो दैट्स इट। ठीक है, बनाइएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बस केक का है मेरा रोना धोना आज, कि मैं क्या करूं। ये देखें, ये देखें, दिखाइए प्लीज, ये इतना अच्छा राइज हुआ है। दिल चाहता है कि मैं ये छोटा वाला केक तो निकाल दूं, बहुत ज्यादा आई एम टेम्प्टेड टू डू दिस। यस, छोटा वाला हो गया है और मोटा वाला नहीं हुआ है। इसको जरा निकालते हैं, बट अभी हम ऑब्वियसली इसको डेकोरेट नहीं कर सकेंगे, राइट? सी, ओ लवली, ये देखें, उस पे रखते हैं जाली पे। ये भी वैसे हो तो गया है, लेकिन यू कांट डेकोरेट दिस केक राइट नाउ, ये एक है मसला, बिकॉज कस्टर्ड जो है ना, गर्मा गर्म कैसे मैं डालूँ इस पर। ठीक है, सो लेट दिस कूल डाउन। ठंडा होने दीजिए इसको प्लीज़। और अब जब भी आप केक को निकालें तो हमेशा इसको साइड से अलग करते हैं। टेक अ ब्लंट नाइफ और साइडों से ना, साइडों से इसको ऐसे करिए, ताकि आपका केक का टिन भी ख़राब ना हो। और फिर आप आसानी से इसको निकालेंगे जब ठंडा करेंगे जाली पे, और फिर आप उसको पेपर भी निकालेंगे, और फिर कस्टर्ड ऊपर डाल के खाएंगे।
सो हम ट्राई करेंगे छोटे वाले केक को निकालने में। ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से कैटल वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी से 8881 पे एसएमएस करिए और मुझे बताइए 2-3 केक्स के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चॉकलेट स्पंज विद चॉकलेट सॉस, अच्छा डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, नमकीन मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 125 ग्राम, अंडे 3 अदद, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 6 खाने के चमचे। चॉकलेट सॉस के लिए क्रीम 300 मिलीलीटर, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चमचे, शहद 75 ग्राम, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम। तरकीब, पहले डार्क चॉकलेट को मक्खन, पिसी चीनी, लाइट ब्राउन शुगर और 250 मिलीलीटर पानी के साथ पिघला लें, फिर से चूल्हे से हटा के 3 मिनट ठंडा करें। उसके बाद अंडे विस्क करके पैन में डालें, साथ ही मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर शामिल करके मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए पैन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। उसके बाद स्पंज को ओवन से निकाल के ठंडा करें। चॉकलेट सॉस के लिए पैन में क्रीम, कोको पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, शहद, डार्क चॉकलेट और 250 मिलीलीटर पानी डालकर मिक्स करें और 2-3 मिनट तक इतना चमचा चलाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। आखिर में चॉकलेट स्पंज चौकोर काटकर ऊपर से चॉकलेट सॉस डालें और सर्व कर दें। हंगेरियन बीफ गोलाश, अज्जा प्याज 2 अदद, मक्खन 2 चाय के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 2 खाने के चमचे, मैदा 1/4 कप, बोनलेस बीफ क्यूब्स 1/2 किलो, बीफ स्टॉक 2 कप, चॉप टमाटर 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गाजर 2 अदद, आलू 2 अदद। तरकीब, मक्खन पिघलाकर प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें अजवाइन और पेपरिका डालकर मिक्स करें। उसके बाद एक बोल में बोनलेस बीफ क्यूब्स और मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। अब बीफ को प्याज के मिक्सचर में डालकर 2-3 मिनट पकाएं। फिर इसमें बीफ स्टॉक, चॉप टमाटर, आलू, गाजर, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें और इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। उसके बाद इसे ढककर धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि बीफ गल जाए। आखिर में डिश आउट करके सर्व करें। ओके जी, अब हमने ज़बरदस्ती छोटे वाले केक को निकाला है बाहर ताकि उसके ऊपर मैं ये कस्टर्ड डालूँ और आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हुआ था, इतना नहीं हुआ था, तो ज़बरदस्ती वाला हम कम काम कर रहे हैं। अभी आप इसके ऊपर ये कस्टर्ड लगाइएगा आपके इस चॉकलेट स्पंज पे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर थोड़े से आप स्प्रिंकल्स डाल दीजिएगा, टेंस एंड थाउजेंड्स डाल दीजिएगा, जो भी कुछ भी व्हाटएवर। कल हम ये कट करके आपको स्क्वायर्स दिखाएंगे। सो ये वाला केक मैं इधर छोड़ के जाऊंगी, कल हम दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज डन, गुलाश इज रेडी। और अब हम अनाउंस करेंगे जो कि आपको हमेशा इंतज़ार होता है, कौन क्या जीता। सो फातमा अल्ताफ कराची से एनएक्स का गिफ्ट जीती हैं और सफीना अरशद फैसलाबाद से वाउच 365 की कूपन बुक जीती हैं। रिफत मिनहाज इस्लामाबाद से जीती हैं वाउच 365 की कूपन बुक। लज्जत में 5 बजे लाइव लेमन श्रीराचा फिश विद सालसा और हवाइन प्रॉन फ्राइड राइस और रबड़ी मैंगो कुल्फी बनेगी, देखिएगा ज़रूर। इसके अलावा मैं कल क्या बना रही हूँ, 3:30 से 4:30 हम लाइव होते हैं पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज़ में मसाला टीवी पे, देखिएगा ज़रूर। रात में 12 बजे दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है। बीफ की एक और रेसिपी टेट्राजीनी, बीफ टेट्राजीनी बनेगा, कोकोनट योगर्ट केक बनेगा, तो ज़रूर देखिएगा शो और हमें फीडबैक दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, कॉल करने का, एसएमएस करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। अब आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।